ये सोफा तुम्हारे बाप का है? राजू भाई का है। राजू भाई, राजू भाई तो करका हो गया क्या? हाँ, 25 दिन पहले मेरे को बंगला बेचा, कल चला गया। मुझे बता वो राजू का बच्चा कहाँ गया, बता नहीं तो मार डालूंगा तुझे मैं। गला छोड़ तो बताएगा ना। ये पहले तो मुझे पता नहीं तो मार डालूंगा मैं। अरे दीक को मारेगा? अभी मैं तेरे को बताता है, तू तेरे जैसे चूहे को तो मैं डोडो एंटी गन से मारेगा, छोड़ेगा नहीं तेरे को, छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, स्टेशन से हम लोग कार में बैठ चुके हैं, टैक्सी में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं दिनेश हिगू सर जी के घर पर। हमारे साथ में है आदिल भाई और सलमान भाई। सलमान भाई हाय बोलो। दोस्तों, बस अभी कुछ ही मिनटों में हम वहाँ पर होंगे और उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सब ने उनकी कोई ना कोई फिल्म तो ज़रूर ही देखी होगी, क्योंकि जैसे कि वो बाजीगर फिल्म में है, बादशाह फिल्म में है, और फिर हेरा फेरी में है, जुदाई में है। अरे यार, एक फिल्म में थोड़ी है, करीब 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया है, और आज हमारी उनसे मुलाकात होने वाली है। अब वो उनकी एज हो चुकी है, करीब 80 के आसपास हैं वो, और ये उनका रेस्टिंग टाइम है, तो हम यही टाइम पर जा रहे हैं और उनसे मिलेंगे और आपको दिखाएंगे। हमारे अंकल ड्राइवर, जिन्होंने हमको डायरेक्ट बता दिया, जैसे ही दिनेश हिगू सर का नाम और फोटो इनको दिखाया, ये बोले आप तो मिलते रहते हो, वॉक करते हुए देखते हो ना उनको, मतलब ये उधर से टैक्सी से जब गुजरते हैं तो उनको कई बार उन्होंने उनको बाहर वॉक करते हुए देखा है, बिल्डिंग के आसपास देखा है, तो अभी इनको जगह भी नहीं बताना पड़ेगा, डायरेक्ट उधर ही छोड़ देंगे हमको। आदिल भाई, इन्होंने पहचान लिया सर को, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है, हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, हाँ, और ये अभी हमको डायरेक्ट उधर छोड़ देंगे। भाई आपका नाम क्या है सर जी? मेरा नाम है मंडल। मंडल भाई, और आप कहाँ के हो? बिहार के। हम उत्तर प्रदेश के हैं। बस अभी कुछ टाइम में हम उनके घर के पास में ही होंगे। इस जगह का नाम है मुकेश चौक। कौन सामने? अच्छा, इधर बाहर आके बैठते हैं? नहीं नहीं, इधर घूम वॉकिंग करते हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो देखेंगे अब उनकी बिल्डिंग में। सर, इंडस्ट्री में आपके दोस्त कौन है? कोई नहीं, एक यहाँ रहता है, एक अंधेरी रहता है। बराबर। वैसे आपके साथ में बहुत सारी फिल्मों में जॉनी लीवर ज़्यादा है ना? जॉनी लीवर तो स्टेज पर भी मेरे साथ करता था। एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहना मुश्किल है जी, लेकिन आपकी सर ये बहुत अच्छी बात है कि आप मिल गए हमसे, और आप मिल लेते हो लोगों से, नहीं तो आप मुझे नहीं लगा था। एक बार तो मैं आपका 12 बजे आ गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया 12:30 बजे, तो आपके बेटे आपको दवाई दिए थे, आप सो गए थे, तो वो बोले कि वो अभी तो सो गए हैं, तो मैंने वेट किया बाहर 2-3 घंटा, तो आपसे मिला। मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन बस मैं बहुत खुशी हो रही है, और सर बस मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ, क्योंकि आप लोगों से मिल रहे, खुद को मालूम है कोई किसी से नहीं मिलता है।
हाय फ्रेंड्स, आज बहुत खुशी हो रही है यार, एक ऐसे लेजेंडरी एक्टर से मैं मिला हूँ जिनको सच में मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये एक्टर की बात मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद जानते हो, फिल्म किसी की भी रहने दो, शाहरुख खान सर की, सलमान खान की, आमिर खान की, अजय देवगन सर की, अक्षय कुमार, जॉनी लीवर, कोई भी रहने दो, लेकिन ये उनके साथ में होते थे और फिल्म को एक अलग ही अंदाज दे देते। दोस्तों, हमने इनको फिर हेरा फेरी में देखा है, बादशाह फिल्म में देखा है, जुदाई फिल्म में देखा है और ना जाने कितनी फिल्मों में देखा है दोस्तों। और आज हम उनसे मिले, वो बैठे थे, उन्होंने हमसे काफ़ी बातें की, लेकिन दोस्तों मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं माइक नहीं लगाना चाहता था, बिकॉज यार उनकी एज हो चुकी है, वो लोग जितने फ्री रहे हैं उतना उनके लिए बेस्ट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, नींद की दवाई खा के वो सोते हैं, तो मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने बहुत फिल्मों में काम किया है और उन्होंने एक मुझे बताया, खुद से बताया कि मुझे याद है मैंने तकदीर फिल्म में काम किया है। मैंने बोला, सर क्या आपको याद है कि आपने कौन सी लास्ट फिल्म में काम किया? बोलते, बेटा नहीं, मुझे याद नहीं है, क्योंकि हम समझ सकते हैं ये एज में हम भूल जाते हैं कि मैंने कल क्या खाया था। तो उनकी तो यार कितनी एज हो चुकी है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ही एक महान एक्टर के साथ में एक महान इंसान है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि वो हमसे मिले, मिल तो वो और भी लोगों से लेते हैं, लेकिन यार वो टाइम देते हैं, अपना वक्त देते हैं, उनसे मिल के बहुत ही अच्छा लगा है दोस्तों मुझे। मैं क्या बताऊँ, मैं कितना खुश हुआ आज। दोस्तों, मैं ग्रैंड रोड में आया था और ये ग्रैंड रोड में ही रहते हैं, इनकी तबीयत बराबर नहीं रहती। इनके बेटे से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बताया कि आँखों में रोज़ दवाई उनकी डालनी पड़ती है और अपना वक्त जी रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सर, आज के टाइम पर आपका फेवरेट बॉलीवुड में आपका दोस्त कौन है? तो बोले, कोई नहीं। दोस्तों, मुझे ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना, लेकिन मैं इतना बताता हूँ दोस्तों, जो आपकी दोस्ती है उसको ज़िंदा रखें, दोस्ती से बड़ा कोई रिलेशन नहीं होता दोस्तों। अच्छे दोस्त जो होते हैं वो हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं, और दोस्तों के हमेशा मजबूरी में काम आए, उनके वक्त पर काम आए। आज इनसे कोई मिलने नहीं आता है, शायद बोलते अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार जिन लोगों ने इनके साथ में काम किया है और जो आज यंग है, जो अच्छा चल फिर रहे हैं, उनको इनसे मिलने आना चाहिए। इनको बहुत अच्छा लगेगा जब ये भी अपने पुराने दिन याद करेंगे, इनको बहुत अपनी यादें आएंगी, इनका वक्त बीतेगा। आज ये बैठे थे, बहुत ही अच्छा लगा, कुल मिला के इनसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए दोस्तों, ये वीडियो मैं एंड करता हूँ, और एंड करने के साथ में बता देता हूँ, यही बिल्डिंग के पीछे वाली बिल्डिंग में, जिसका नाम है गीता भवन, उस बिल्डिंग में ये रहते हैं, और हमको मिलके काफ़ी अच्छा लगा है। हमारे साथ में हमारे और भी दो भाई हैं, जैसे कि ये हैं आदिल भाई और हमारे सलमान भाई। सलमान भाई, कैसा लगा उनसे मिलके? बहुत अच्छा। सलमान भाई को भी उनसे मिलके अच्छा लगा, हमारे आदिल भाई को भी। आदिल भाई, कुछ और बोलना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा, उनके जब पिक्चर देखते थे ना, समझ लो जब उनकी कॉमेडी स्टार्ट होती थी ना, तो पिक्चर के अंदर जान आ जाती थी यार, हमें हंसी नहीं रुकती थी। हाँ, और इमरान भाई, हमारी हंसी नहीं रुकती। सलमान भाई, कैसा लगा? तीनों ने एक साथ उन चीज़ को देखा जिनको हम सालों से देखते आ रहे थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत, मतलब कि क्या बताऊँ मैं। और आदमी अच्छे हैं, हमारे साथ में फ़ोटो लिए और हमको वक्त दिया उन्होंने। चलिए दोस्तों, तो वो इसी जगह पर रहते हैं, यहीं पर वो वॉक करते हैं, आप देख सकते हो यहीं पर वो वॉक करते हुए काफ़ी टाइम देखे जाते हैं, और ये उनकी बिल्डिंग का गेट है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दोस्तों, और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी समथिंग एल्स, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट गाइज फॉर एवरीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ। बस इतना ही कहता हूँ दोस्तों, कि जो भी वक्त है आपके पास, उसको अच्छे से रहें और हमेशा खुश रहें। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। लव यू गाइज़।